आप खुश हैं इस तरह के उससे जी? आप खुश हैं इस तरह मिले? मैं तो बहुत खुश हूँ, लोगों को खुश देख के बहुत खुश हूँ। और ले और करगिल के बिल्कुल सारे जो यंग टूरिज्म में जो रिलेटेड है वो सब यहाँ बहुत खुश है। कोविड के कारण पिछले साल जो नुकसान हुआ इस सेक्टर को, आप ये जो साल है 21 उसको किस रूप में देखते हैं? क्या है सर, ये दुनिया आनी जानी है, चलता रहता है, उतराव चढ़ाव तो होता है। कुवैत सिर्फ हमको ही नहीं हुआ, पूरे दुनिया को हुआ। तो मैं तो ये समझता हूँ हिंदुस्तानी और लद्दाखियों की जो साइकोलॉजी है बहुत स्ट्रांग है, तो कुवैत से क्या फ़र्क पड़ता है। ये उतराव चढ़ाव तो चलता रहता है, अब अच्छे दिन आ रहे हैं फिर अच्छे दिन आ रहे हैं। आपको उम्मीद है इस साल टूरिज्म सेक्टर में काफ़ी बढ़ोतरी होगी, टूरिस्ट लद्दाख में खूब आएगा? तो मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उम्मीद तो रखेंगे हम, उम्मीद तो रखेंगे बिल्कुल अच्छा ही होगा। किस तरह की तैयारी होटल इंडस्ट्री ने की हुई है इस बार? होटल तो सब वहाँ खाली पड़ा हुआ है, हम चाहते हैं सब आए। होटल एक से एक बना हुआ है, लोगों ने अच्छा बनाया है, लेकिन इट विल पिक अप, आई एम श्योर इट विल पिक अप, है ना। मैं तो आर्टिस्ट रात में ऑब्जर्वेशन के लिए आया हूँ, देख रहा हूँ क्या हो रहा है, तो मुझे लगता है इट विल पिक अप, इट हैज टू पिक अप। मोदी जी का जो सपना है वो आपको लगता है लद्दाख में पूरा होने वाला है? केवल मोदी जी ही नहीं, सबका सपना है लद्दाख अच्छा हो जाए, पूरा देश चाहता है। मोदी जी तो ये है, उनका बड़ा कृपा है, योगा कराते हैं, मैं तो योगियों का संतान हूँ। तो बिल्कुल पिछले साल लद्दाख में योगा दिवस मनना था, हम नहीं मन पाया कोविड के कारण, आपको इससे मलाल है? हाँ, इस साल पता नहीं होगा कि नहीं, आई डोंट नो। मैं आयुष मिनिस्ट्री के कुछ सेक्रेटरी से मिला था, उन्होंने ऐसे कुछ जिक्र नहीं किया। लेकिन लद्दाख में तो लोग योगी जैसे हैं ना सर, लद्दाख के लोग ज़मीन के साथ जुड़ा होता है, लेह और करगिल के लोग दे आर ऑल फार्मर्स, लोग किसान हैं, तो योगी जैसा है ये लोग, प्रकृति के साथ चलते हैं लद्दाख के।